प्रियंका, तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के पास और एक नया ब्लॉग लेके। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आए हैं एयरपोर्ट, अभी तो ऑलरेडी एयरपोर्ट आ चुके हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे अंडमान, क्योंकि आप लोगों को तो ऑलरेडी दिख चुके हैं थंब लाइन पे कि क्या है, कहां पर जा रहे हैं। तो हम लोग आज अंडमान जाएंगे। तो ये हम लोग एक्चुअली हनीमून ट्रिप है, और ये वाला ट्रिप मुझे सौरभ ने सरप्राइज़ किया है, तो इसीलिए मुझे पहले से नहीं पता था, मुझे लास्ट एंड ऑफ द मोमेंट जाके मुझे पता चला। सो हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि कैसा कैसा है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बाय। फाइनली टिकट मिल गया। सो हम लोगों का सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है, तो अभी हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट लाउंज के पास, क्योंकि कुछ खाएंगे, क्योंकि अभी तक सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। सो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद 9:45 में हम लोगों का फ्लाइट है, तो तब हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते।
ब्रेकफास्ट तो हो गया है हम लोगों का, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन पर। फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं और ये वाला है पोर्ट ब्लेयर आंदामान का एयरपोर्ट। और यहाँ पर आपको आकर यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपका वैक्सीन लिखा हुआ है, ये आपको लगवाना पड़ेगा। आपका दो डोज अगर क्लियर होता है तो आप लोगों को ये वैक्सीन ये स्टैम्प दिया जाएगा। और ये वाला है लगेज काउंटर। ये वाला एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है, एकदम ही छोटा है। एंड ये वाला एयरपोर्ट आप लोग अगर बोल सकते हैं तो ये वाला एयरपोर्ट इज़ अ मिलिट्री डिफेंस एयरपोर्ट। सो यहाँ पर फ़ोटो खिंचाना एकदम स्ट्रिक्ट है, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैंने ये फ़ोटो लिए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ हम लोग का गाड़ी लेने के लिए, ताकि हम लोग होटल पहुँच सकें। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं आंदामान और आ गए हैं हम लोगों का रिसॉर्ट पे, जो कि नाम है कि मेगा पॉट रिसॉर्ट, जो बहुत 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 ही अच्छा है। आप लोग मतलब सही में देख पा रहे हो कि एरिया जो है ये बहुत ही बड़ा एरिया है और पूरा गार्डनरी एरिया है। और यहाँ का जो वेदर है, ओ माय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों का, वेदर यहाँ का सच में बहुत ही अच्छा है। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला एरिया, ये एकदम बाहर साइड का एरिया है जो कि पूरा एकदम अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है। ये जगह सही में
बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर पूरा एकदम डेकोरेशन किया हुआ है, गार्डन पूरा एरिया एकदम गार्डन पूरा है। तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा ये वाला जगह, और मुझे मतलब आई जस्ट फॉल इन लव इन अंदमान। ये ट्रिप मेरा सही में बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे रिसेप्शन की तरफ। तो चलिए जब बढ़ते हैं रिसेप्शन की तरफ, तो ये है रिसेप्शन। रिसेप्शन का एरिया आप लोग मतलब ऐसा ही है, ये वाला है पूरा रिसेप्शन की एरिया। आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, एकदम शांत साइलेंट पीस है। वहाँ पर सौरभ अपना फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन कर रहा है और यहाँ पर मैं पूरा एकदम वीडियो कर रही हूँ मेरे ब्लॉग के लिए। तो अभी ये हम लोगों का जब ये फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगे तो अभी हम लोग जाएंगे हम लोगों का रूम की तरफ। तो अभी चलिए चलते हैं हम लोग के रूम की तरफ। हम लोगों का फॉर्मेलिटीज़ तो सब हो गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ था तो सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ हम लोग का क्लियर हो गया है। अभी हम लोग जाएंगे हम लोग के रूम की तरफ। तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि रूम जो है आप लोग देख के सच में हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा जगह है, और ये वाला रूम जो हम लोगों ने लिया है, ये वाला रूम सच में बहुत ही एक अच्छी जगह पर एक प्लेस्ड है, मेंटेन्ड है। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों का ये रूम। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों को मेरा रूम दिखाने के लिए। ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये वाला डाइनिंग वाला एरिया है, किचन वाला एरिया है। कोई भी आपके यहाँ पर खा सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। और ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं अभी, ये वाला एरिया पूरा गार्डन वाला एरिया है। यहाँ पर आप लोग बैठ के चिल कर सकते हैं, गार्डन घूम सकते हैं। तो ये मेगा पॉट रिसोर्ट सच में बहुत एरिया जो जुड़ा के हैं, तो ये वाला बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो। सो नियर बाई आ चुके हैं हम लोगों का जो रूम जो बुक किया हुआ है उस साइड पे। तो ये वाला रूम मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। सो चलिए हम लोगों का रूम का शेयर करवाते हैं आप लोगों को। तो ये रूम टूर है, ये हम लोगों का रूम है अभी, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों का बाहर का गार्डन दिखेगा, तो जो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से आपका गार्डन का व्यू। ये वाला बेड है हम लोगों का, जो बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है। एक बेड है, फैन भी है, एसी भी है, आप लोग चला सकते हैं। यहाँ पर चाय के लिए आप लोगों का दिया है, केटल दिया है। ये मिरर है, ये एक वार्डरोब है जो कुछ भी रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आप लोगों का सामान। हैंगर भी दिया हुआ है, ये वाला एरिया आपका बाथरूम है, बाथरूम का मिरर, बाथ टॉप भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर भी नहा सकते हैं। शावर भी है। ये वाला रूम तो सच में बहुत बड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला रूम। कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी हैं, टीवी है, सोफा है, चेयर है, और ये वाला जो व्यू है, एक विंडो भी है, दो डोर भी है, और यहाँ पर आपका बालकनी भी है। और ये दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आर रूम। वाओ, इट्स माइंड ब्लोइंग, आई एम जस्ट स्पीचलेस। कितना अच्छा लग रहा है, सो मच पीस। सो गाइज, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग ऑफ अंदमान। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।